मैम जैसे लगा बहुत ही अच्छी जोड़ी मिली सो हाउ वाज इट इट वाज रियली गुड बहुत ही फन थी एंटरटेनिंग एंड इमोशनल एट द सेम टाइम एंड मैसेज भी काफी अच्छा था तो सुशांत और श्रद्धा की परफॉर्मेंस कैसी लगी उन दोनों की भी काफी अच्छी थी एंड सपोर्टिंग कास्ट का भी उतना ही हाथ था लाइक सबको इक्वल स्क्रीन टाइम मिला तो सब लोग थे मतलब ऐसे लग ही लग रहा था ये हीरोइन एवरीवन वाज देयर लाइक ऑल द फोर ओवरऑल एंड द मैसेज वाज वेरी गुड एंड सटल वे में दिया गया एंड बहुत अच्छा था लाइक पूरी मूवी एंटरटेनिंग थी सो आई कांट पिन पॉइंट अ पर्टिकुलर पार्ट मूवी देखने की थी आपको कॉलेज डेज याद आ गए एकदम टोटली लाइक इट वाज रियली गुड मूवी रियली गुड ओके 5 आउट ऑफ कितना चाहते हैं 4 छिछोरे मूवी ऑसम थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है मूवी का कंसेप्ट अच्छा था सब्जेक्ट अच्छा था तिवारी जी से जैसी उम्मीद थी वैसी ही इन्होंने चीज दी है तो मजा आ गया मूवी को देख के वरुण शर्मा एज यूजुअल जो मिस्टर चूचा जी हैं उन्होंने एज अ सेक्सा बहुत अच्छा किया है और उनकी टाइमिंग के साथ बोला जाए तो सभी की टाइमिंग अच्छी लगी मम्मी का भी बहुत अच्छा लगा है और ये सब चीज अच्छी लगी डायरेक्शन स्क्रीन प्ले और उनका स्टोरी का जो कंसेप्ट है वो बहुत औसम है जो उनसे उम्मीद की जाती है सुशांत जमा नहीं रोल में मतलब श्रद्धा वॉज गुड वरुण वॉज गुड एक्चुअली वरुण शर्मा इज वो है तो पिक्चर में जाने थोड़ी नीतीश तिवारी की डायरेक्शन के बारे में क्या डायरेक्शन अच्छी है दंगल इज अ डिफरेंट मूवी उससे कंपेयर आप मत करो उसको लाइफ के ऊपर मूवीज बनी है 3 idiots और यस तो मैं ये कुछ एक्सपेक्ट करके आया था क्योंकि मेरा फ्रेंड ने इंसिस्ट किया मुझे बट जब मैं फिल्म देखने आया तो मैं मतलब काफ़ी माइंड ब्लोइंग फिल्म थी और इतनी ऑसम फिल्म थी कि मैं काफ़ी कुछ लेके जा रहा हूँ इस मूवी कैसी लगी हाँ पेयरिंग ये उनकी फर्स्ट पेयरिंग थी जहाँ तक मैं रिलेट कर पा रहा हूँ ये उनकी फर्स्ट पेयरिंग है बट उनकी फर्स्ट पेयरिंग लग नहीं रही है केमिस्ट्री और बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है और आई थिंक वरुण शर्मा और जितने भी नए एक्टर्स आ रहे हैं ये लग ही नहीं रहा है कि उनकी पहले फिल्म है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डायरेक्शन के बारे में क्या कहना है दंगल के बारे में उनकी दूसरी फिल्म हाँ दंगल में काफ़ी जो वो सब्जेक्ट्स जो चूज़ करते हैं और जिस तरह के तथ्य वो लेके आ रहे हैं पब्लिक के सामने वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है और काफ़ी कुछ सीखने जैसा है उनकी फिल्मों में दंगल इनफैक्ट मैं जब दंगल देखने के बाद मैं वेट कर रहा था कि कब वो अपनी नेक्स्ट फिल्म लेके आए तो आज देख ली ये एक्चुअली उन्हीं के डायरेक्टर की वजह से ही मैं आया था फिल्म देखने के लिए नितेश तिवारी जी का काम देखने के लिए कुछ याद आए बिल्कुल से इनमें मैं अपने कॉलेज डेज से रिलेट कर पा रहा था और कैसे मेरे कॉलेज डेज रहे और हमने धमाल मस्ती किस वो लेवल इसी तरीके का होता है कॉलेज इनफैक्ट जो लोग कॉलेज जा रहे हैं उन लोग ये फिल्म देखें और मेंटली प्रिपेयर हो जाए अपने कॉलेज डेज को यू नो जीने के लिए वो उनके लाइफ के सबसे बेहतरीन खूबसूरत 4 साल होने वाले जो फिल्म भी बताता है हमको 5 out of 5 सिर्फ श्रद्धा और सुशांत की पेयरिंग नहीं है इसमें जो सब थे उन सब की पेयरिंग बहुत अच्छी है एंड इसमें सभी जो लीड हैं सब ने अच्छी परफॉर्मेंस की है अमेजिंग वो तो भाई कॉमेडी के मास्टर हैं तो उनकी तो बहुत अच्छी है मजा आ गया यस दंगल भी अच्छी थी और सेम उनकी जो क्वालिटी है वो इसमें भी उन्होंने दी है तो अमेजिंग फिल्म स्क्रीन प्ले डायरेक्शन बहुत अच्छा था ओके मूवी देखने के बाद कॉलेज डेज कुछ याद आ गए आपको सब बिल्कुल याद आया दो एकदम सेम नहीं थे बट हाँ जैसे फ्रेंड्स के साथ मस्ती वगैरह होती है वो जेनुअली सेम होते हैं ओके 5 out of 5 थैंक यू ओके जस्ट सर आपने छिछोरे मूवी देखी कैसी लगी बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी बहुत अच्छी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो परफॉर्म कर रहे हैं या ऐसा कुछ कमी उसमें नहीं लग रही थी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी उनके बीच में इनफैक्ट दो जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है वो ऐसा नहीं लग रहा था कि परफॉर्म कर रहे हैं सुशांत की बात करें तो वरुण शर्मा की कैसी लगी बहुत अच्छी है अरे टाइमिंग बहुत कमाल की टाइमिंग है इनफैक्ट सारे कैरेक्टर एक्टर्स के पास ऐसी लाइंस हैं ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे यू नो एवरी लाइन विद एवरी लाइन यू गेट लाफ्टर आउट ऑफ यू नो पीपल वर क्लैपिंग इनसाइड सो इट्स लाइक दैट ओके नितीश तिवारी की डायरेक्शन कैसे लगे दंगल के बाद इनके दूसरे या इट्स टू गुड सो गुड मतलब शुरू से आखिरी तक मैं कहीं बोर नहीं हुआ टाइम स्टोरी वॉज अनफोल्डिंग स्लोली ग्रेजुअली एंड द क्लाइमैक्स वॉज सो सुपर्ब मतलब मेरी तो आंखें खुल गया था हो गया इट्स अ माइंड ब्लोइंग मूवी इट्स ऑल अबाउट फ्रेंड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स ही फैमिली होते हैं जब हॉस्टल लाइफ कॉलेज लाइफ जीते हैं तो फ्रेंड्स ही फैमिली होते हैं बहुत ज़्यादा देर उन लोगों के साथ हम बिताते हैं तो वो चीज़ याद आ गई ये फिल्म देख के
वो जनरेशन याद आ गई जो हम यंग थे कॉलेज में क्या क्या चीज़ों अपन करते थे एंड स्पेशली लव प्यार वो चीज़ बहुत बहुत याद दिलाई वो चीज़ परफॉर्मेंस की बात करें तो श्रद्धा और सुशांत की केमिस्ट्री कैसे लगी जो फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन आ रहे हैं सो बहुत उनको 70s स्टाइल में दिखाया गया उन लोगों को जैसे कि श्रद्धा कपूर इज लुकिंग डैम क्यूट ये गेटअप में बहुत क्यूट लग रहे हैं वो एंड नितेश तिवारी ने उन लोगों के किरदार में जान डाल दी इन दो जो डायरेक्ट किया है इन दोनों ने जान डाल दी उसमें टेम्परर हो टेम्पररली हो बट याद आ गए वो दिन एक दो पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा वीक जा रहा बट उसके बाद कंटिन्यू रनिंग में था सुपर एक्चुअल में जो उनका स्टोरी गाइडलाइंस था वो प्रॉपर एकदम सुपर था क्योंकि एक प्रॉपर लहजे में स्टोरी चलना बहुत ज़रूरी है और वो चल रहा था क्योंकि आप एज एन ये होता है ना कि ऑडियंस को बांध के रख लेना तो उन्होंने ऑडियंस को बांध के रख लिया आप इंटरवल में भी नहीं उठ के जा रहे कभी आपका भाई एक मिनट का भी ना छूट जाए तो मैं इंटरवल भी नहीं छोड़ के गया वहाँ से ओके, 5 out of 5 5